परसोड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत कोठड़ा गोविंदपुर परसोड़ा नवीन छह गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर चूना पत्थर उत्खनन एवं परिवहन कंपनी RCCPL के भारी वाहनों से सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। परसोड़ा चूना पत्थर लीज क्षेत्र के संबंध में ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। 23 अगस्त 2023 को ग्राम पंचायत परसोड़ा में सरपंच उप सरपंच एवं समस्त स्थानीय लोगों ने कंपनी प्रबंधक को नोटिस जारी कर कहा है कि परसोड़ा लाइमस्टोन लीज क्षेत्र में RCPL सीमेंट कंपनी के सभी कार्य एवं भारी यातायात बंद कर दिया जाए। यदि कंपनी 1 सितंबर 2023 तक परसोड़ा लीज क्षेत्र में पूरा काम नहीं रोका गया तो पेशा ग्राम पंचायत और सभी स्थानीय लोगों ने लीज क्षेत्र में कंपनी के काम को रोकने के लिए सार्वजनिक आक्रोश जताया है। इस सड़क से ग्रामीणों को जाने के दौरान कई नागरिक सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, इसलिए कंपनी के वाहनों के कारण यह पूरी सड़क दुर्घटना की सड़क बन गई है। उक्त कंपनी ने पूरी सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया है और इसकी तत्काल मरम्मत की जानी चाहिए और कंपनी को अपने परिवहन के लिए एक अलग सड़क बनानी चाहिए। ग्राम पंचायत और स्थानीय लोगों द्वारा कंपनी प्रबंधन, उप विभागीय अधिकारी राजूरा, उप विभागीय पुलिस अधिकारी तहसीलदार कोरपना, पुलिस अधिकारी कोरपना को गंभीर चेतावनी दी है। सीमेंट कंपनी पेशा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करी है और जबरन खुदाई और भारी यातायात करी है, जबकि गांव की सड़क 3 मीटर की छोटी सड़क है। सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ लगाए और कंपनी बिना यातायात की अनुमति दी है। कंपनी ने धोखा दिया है। पेशा अनुसूचित ग्राम पंचायत के लिए पेशा ग्राम पंचायत और स्थानीय लोगों ने गंभीर चेतावनी दी है कि जब तक लीज क्षेत्र की पूरी 756.14 हेक्टेयर जमीन की एकमुश्त भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक कंपनी का काम बंद रहेगा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा संकल्प के माध्यम से उत्तम पेशे रामभाव कोचड़े, अरुण मैदामवार, गंगाधर कुंथावर, सखाराम तलंडे, नेमचंद काटकर, सतीश काटकर, कार्तिक गोलावार, संजय सोदमवार, लोकारी गुरुजी, भरत पवार, देवीदास पिंडोर, मुद्रिकाताई खाड़े, आशीर्वाद दुर्लावर, कड़ू, राजू मैदामवार आदि ग्रामीण उपस्थित थे। परसोड़ा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। देर शाम तक विरोध प्रदर्शन जारी रहने के कारण कंपनी और ग्रामीणों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। RCCPL सीमेंट कंपनी के परसोड़ा ग्राम पंचायत आदेशांचे उल्लंघन करत असून सुद्धा पोलीस बंदोबस्त, ग्राम पंचायत गाव रस्त्यावर अवघड जड वाहतूक करून संपूर्ण गाव रस्ता खराब केला आहे। खनिज वाहतूक करून कंपनीला ग्राम पंचायतने गाव रस्ता वापरण्याची कोणत्याही प्रकारची संधी दिली नसताना सुद्धा कंपनी व पोलीस जबरदस्तीने अवजड वाहतूक सुरू करीत आहे। ग्राम पंचायत कडून कंपनीने व वाहतूक बंद करण्याकरिता आज आम्ही एकत्र सर्व इथं आले आहे आणि ही विनंती गुन्हे दाखल केले आणि यांच्यापूर्वी गुन्हे दाखल सुद्धा केले आहे आणि त्या दिवशी पण मी 30 तारखेला मी निवेदन देण्यासाठी आली तर आपले ठाणेदार साहेबांनी इथे निवेदन देण्यासाठी आले तुमच्या लोकांवर हाफ मर्डरची केस दाखल करावं लागेल म्हणत होते सरपंच साहेब आणि तुमच्या जे होते ते करून घ्या आणि 307 कलम गुन्हा दाखल करावं लागत होते असे म्हणत होते। पहिला मला करू द्या मग नंतर माझ्या शेतकरी पहिला मला करू द्या माझ्यावर गुन्हा दाखल करू द्या नंतर माझ्या शेतकरी बंधूंना करू द्या ही विनंती आहे। निवेदन दिलं संबंधित कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं आयुक्तापर्यंत निवेदन दिलं परंतु अजूनपर्यंत आमच्या शेतकऱ्यांची दाद लागलेली नाही आहे आणि हा ग्रामीण रस्ता आहे तो वापरण्यात आला असल्यामुळे संपूर्ण तो खराब झालेला वाहतूक अयोग्य आहे आणि जोपर्यंत तो रस्ता कंप्लीट होणार नाही तो चांगला सुरळीत होणार नाही तोपर्यंत तिथून कुठल्याच प्रकारची वाहतूक झाली नाही पाहिजे अशी माझी आणि प्रशासक आणि कंपनीने ज्या जमिनी आहे लीज क्षेत्र झालेल्या त्या जमिनी त्यांनी खरेदी कराव्या आणि त्यानंतरच त्यांनी कामाला सुरुवात करावी अशी माझी विनंती आहे। फोन येते तर मग ते भाई डिलिव्हरी कशी व्हायची बेटी पढाव ना बेटी बचाव कसा करायचा हे आम्हाला एक विचारायचं आहे। जर प्रशासनाला जर आम्हाला जर साथ द्यायचं असेल तर आज ADO कलेक्टर सर्व इथं याव ना यांचं काम जे गाड्या आहे येथून वापस करा तेव्हाच आम्ही येतो सरकणार नाहीत आम्ही सरकणार। BSN न्यूज के लिए कोरपना से मनोज कोरे के साथ सुनील ताड़े की स्पेशल रिपोर्ट।